हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 16 जून 2020 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली न्यूज है, भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो चुकी है और इस तेजी से प्रक्रिया करने वाली जो मोबाइल लेबोरेटरी है, यह भारत के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस लेबोरेटरी को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मात्र 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसमें साइट एलिसा ऑन साइट यानी कि ऑन साइट एलिसा टेस्ट, रियल टाइम रिवर्स किन्वन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RRT-PCR टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह लैब एलिसा के प्रतिदिन 200 और RRT-PCR के प्रतिदिन 50 परीक्षण करने में सक्षम है। तो चलिए हम इस लेबोरेटरी से जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला बनकर तैयार हुई है। दूसरा कथन है, यह तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली एक मोबाइल लेबोरेटरी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन एक और दो सही है। अगली न्यूज देखते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण लक्षणों में 2 नए लक्षण शामिल किए गए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। वर्तमान में नमूना रेफरल फॉर्म में 13 नैदानिक लक्षण और संकेत हैं, जो मंत्रालय द्वारा पिछले महीने संशोधित किए गए थे। इसमें बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, सांस फूलना, मिचली, हेमोप्टाइसिस, खून की खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश, सीने में दर्द, नाक से पानी निकलना आदि शामिल किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दवा रेमडेसिविर, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलुजिमाब तथा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल COVID-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन COVID-19 का एक लक्षण है? सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना, बुखार, सीने में दर्द, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है वो COVID-19 के लक्षण हैं। अगली न्यूज देखते हैं। ओडिशा में 3 दिवसीय अनोखे रज पर्व का प्रारंभ। ओडिशा में 3 दिवसीय अनोखा रज पर्व का प्रारंभ हो गया है। यह त्योहार समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। रज पर्व ओडिशा का 3 दिवसीय अनूठा त्योहार है, जो मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व गुण के सम्मान में मनाया जाता है। इन दिनों पृथ्वी के प्रति सम्मान के रूप में जुताई बुवाई जैसी सभी कृषि कार्य 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। बात करें हम उड़ीसा की, तो ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर बसा एक राज्य है। यह अपनी आदिवासी संस्कृतियों और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल हैं। ओडिशा का राज्य पक्षी ब्लू जे या भारतीय रोलर है और राज्य पशु सांबर है, जबकि राज्य वृक्ष बरगद और राज्य पुष्प कमल है। चलिए इस न्यूज से जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय अनोखा रज पर्व किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? केरल, ओडिशा, असम या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा। ये जो रज पर्व है ये लगभग जो है मिड ऑफ जून में हर साल मनाया जाता है और ये 3 दिवसीय है और ये ज्यादातर 14 से जो 16 जून है इस दिन मनाया जाता है। चलिए अभी न्यूज देखते हैं। सरकार ने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है और इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 का एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है। यह प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल की वस्तुओं के लिए मांग और आपूर्ति परिदशाओं को भी पूरा करेगा। यह चिकित्सा उपकरणों, नैदानिक उपकरणों, दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन सहायता उपकरणों से संबंधित मौजूदा जरूरतों और मांग के लिए आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताकर्ताओं और आयातकों को निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल COVID-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को, जो बॉटलनेक्स होती हैं, उनको भी कम करेगा। ये सार्वजनिक मंच अस्पतालों, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और रोगियों जैसे स्वास्थ्य उपयोगकर्ताओं की मदद भी करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एकदम पोर्टल जो है सरकार ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसकी उपयोगिता कितनी रहती है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 का एक सूचना प्रबंधन और
पूर्णुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किस पहल का प्रारंभ किया गया है? आरोग्य पथ, आरोग्य सहायता, आरोग्य साथी या आरोग्य पूल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आरोग्य पथ इसका सही उत्तर है। अगली न्यूज है, मध्य रेलवे ने मुंबई में फेब्री आई नामक जांच सुविधा शुरू की है। हाल ही में मध्य रेलवे ने मुंबई में फेब्री आई नामक जांच सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत यात्रियों में कोविड 19 के लक्षणों की प्रभावी जांच की जाएगी। यात्रियों को सुरक्षा की दिशा में मध्य रेलवे का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फेब्री आई थर्मल कैमरे स्थापित किए गए हैं। फेब्री आई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय और स्वचालित सिस्टम है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति को तेज बुखार ना हो। जब यात्री कैमरों से होकर गुजरेंगे तो सेट रेंज के ऊपर तापमान वाले किसी भी व्यक्ति को कैमरे से जुड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग रंग पैटर्न में दिखाया जाएगा। यह एक साथ कई लोगों के तापमान का पता लगा सकता है और स्वचालित रूप से तापमान रिकॉर्ड कर सकता है जबकि यात्री चलते रहते हैं। तो ये इस तरह की जो पहल है, ये जो बनाया गया है इनिशिएटिव जो है, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो यात्री हैं उनका एक साथ जो है परीक्षण हो सकता है, उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है, उनके तापमान का पता लगाया जा सकता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। फेब्री आई क्या है? कोविड 19 के लक्षणों की जांच करने वाला थर्मल कैमरा है, नासा का एक मिशन है, विज्ञान प्रयोगशाला है या एक नया रासायनिक तत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, यानी कि कोविड 19 के लक्षणों की जांच करने वाला यह एक थर्मल कैमरा है। अगली न्यूज है, मध्य रेलवे ने रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। हाल ही में मध्य रेलवे ने रोबोटिक कैप्टन अर्जुन ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस लॉन्च किया है। रोबोटिक कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे के सुरक्षा बल के डीआईजी आलोक बोरा के सुझाव पर आधारित है। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने यह रोबोटिक जांच और निगरानी तेज करने के लिए बनाया है। यह रोबोटिक रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच करता है और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखता है, और यदि किसी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो यदि जो सेट वैल्यू है उससे ज्यादा है तो ये एक अलार्म भी रेज करता है। कैप्टन अर्जुन को कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्टेशन अभिगम नियंत्रण में भी प्रभावी है और इससे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं जो कैप्टन अर्जुन को जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पे ये एक व्यक्ति का जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रोबोट कैप्टन अर्जुन किस रेलवे ने लॉन्च किया है? पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे या मध्य पूर्वी रेलवे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवेज ने यह लॉन्च किया है। अगली न्यूज देखते हैं। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और रक्तदाताओं को धन्यवाद करना है। यह दिन सभी सरकारों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों और राष्ट्रीय रक्त सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो नियमित रूप से अवैतनिक रक्तदाताओं से रक्त का संग्रह बढ़ाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। इस वर्ष जो है इसका जो विषय है वो है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट समितियों की एक संयुक्त पहल द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार 2005 में किया गया था। चलिए इससे जुड़ा हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस जो हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 16 जुलाई, 12 अप्रैल और 14 जून? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि 14 जून। और जो भी लोग स्वस्थ हैं वो रक्तदान जरूर करिए, इससे किसी की जान बच सकती है। मैंने स्वयं भी रक्तदान किया है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है रक्तदान करने के बाद। और आप स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में जरूर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारत से चिकनगुनिया का लगातार वैश्विक प्रसारण। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत से चिकनगुनिया का लगातार वैश्विक प्रसारण हो रहा है। यह अध्ययन ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की एक टीम ने किया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि 2005 से लेकर 2018 की अवधि में भारत लगातार चिकनगुनिया वायरस के वैश्विक प्रसारण के लिए एक स्थानिक पुल बना हुआ है। भारत से इस वायरस का फैलाव पड़ोसी और दूर के देशों में हो रहा है। यह अध्ययन हाल ही में इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित किया गया है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। बुखार और गंभीर जोड़ों के दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। अन्य लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द,
सिरदर्द, थकान और दाने शामिल हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। चिकनगुनिया किसके कारण फैलता है, वायरस, जीवाणु, नेमाटोड या कवक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, यानी कि वायरस से के कारण जो है चिकनगुनिया होता है। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का उद्देश्य दुनिया को वृद्ध व्यक्तियों की भलाई और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष इसकी थीम है बुजुर्गों के लिए मजबूत समर्थन का निर्माण करना, खासकर की COVID-19 के दौरान, क्योंकि जो ये COVID-19 है ये बड़ों जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, साथ ही जो किसी अन्य बीमारी के द्वारा संक्रमित हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसीलिए जो इस वर्ष की थीम है वो बुजुर्गों के लिए मजबूत समर्थन का निर्माण है, और खासकर COVID-19 के दौरान। यह दिन 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में लॉन्च किया गया था। और इस से हमें ये समझना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं हमारे आसपास जितने भी हैं, देखिए हर किसी को इस परिस्थिति से गुजरना ही है, और अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके जो है प्रति आप आवाज़ उठाएंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा जो है उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके लिए जो जगह होगी जो घर में है चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं, उनके लिए वो जगह बहुत सेफ रहेगी, और जो इतने वृद्ध आश्रम खुले हैं वो वृद्ध आश्रम खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उनके स्वास्थ्य की देखभाल, क्योंकि उम्र के साथ जो स्वास्थ्य है वो गिरता ही गिरता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उनके जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल की जाए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए और उनका ध्यान रखा जाए, और जितना हम उनको प्रेम दे सकते हैं, जितनी उनकी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन जो है उस स्टेज पर पहुंचना ही पहुंचना है। चलिए हम लोग अब इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2005, 2006, 2007 या 2009? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2006। अगली न्यूज देखते हैं। निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए RBI ने एक वर्किंग ग्रुप पैनल नियुक्त किया। हाल ही में निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए RBI ने एक वर्किंग ग्रुप पैनल नियुक्त किया है। इस पैनल का नेतृत्व RBI के कार्यकारी निदेशक PK मोहंती करेंगे। यह पैनल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति या संस्थाओं की पात्रता मानदंडों की जाँच समीक्षा भी करेगा। यह एक गैर सरकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों की होल्डिंग पर वर्तमान नियमों का भी अध्ययन करेगा। यह पैनल स्वामित्व और नियंत्रण की अत्यधिक एकाग्रता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उचित मानदंडों का भी सुझाव देगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। निजी बैंकों के स्वामित्व की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में RBI ने पैनल नियुक्त किया है? SN बनर्जी, PK मोहंती, विद्यापति त्रिपाठी या K सदाशिव राव? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि PK मोहंती। अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप में जाने वाली 5वीं व्यक्ति बन गई है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलिवन चैलेंजर डीप में जाने वाली 5वीं व्यक्ति बन गई है। कैथी सुलिवन 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला थी। अब वे दुनिया के महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात स्थान चैलेंजर डीप पर उतरने वाली पहली महिला और इतिहास की 5वीं व्यक्ति बन गई हैं। सुलिवन अब एकमात्र मानव हैं अंतरिक्ष में और महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक पहुंच गई हैं। बात करें चैलेंजर द्वीप की, तो ये जो है पश्चिम प्रशांत महासागर की सतह के नीचे मरियाना ट्रेंच में स्थित है। आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं चैलेंजर द्वीप की मरियाना ट्रेंच में, और यह लगभग 36,200 फीट गहरा है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार महासागर की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चैलेंजर द्वीप पर उतरने वाली पहली महिला कैथी सुलिवन किस देश की नागरिक है? न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर जो 16 जून के हैं वो पढ़ लिए हैं, साथ ही उससे जुड़े एक प्रश्न भी देख लिए हैं। आप ये न्यूज जाकर हमारी वेबसाइट pendulummedia.com पर भी पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं इंग्लिश में भी मौजूद हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं,
और वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही आप हमारा जो चैनल है पेंडलम मीडिया उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।